सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवान, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो एक दौर था जब अपनी जिंदगी जिया करते थे, और हम कह सकते हैं कि हमारे भी पानी के जहाज चला करते थे। जब बारिश होती थी, हम कह सकते हैं इस बात पर हम भी दौड़ते थे भूखे प्यासे उन तिलमिलाती गर्मियों में। एक कटी हुई पतंग के पीछे न जाने कितने पतंगे दौड़ लगा देते थे, और जिसको वो पतंग मिल गई समझ लो उसने स्वर्ग जीत लिया। वो था जीवन। एक बड़ा मोहल्ला एक परिवार होता था, आज एक परिवार कई मोहल्लों में बंट चुका है। क्या पाया हमने 21वीं सदी में, ये कि कुटुंब लेकर चले थे और चार चार दो दो लोगों में बंट के खत्म होते चले जा रहे हैं। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी वो बुढ़िया जिसे लोग कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुरियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। याद कीजिए वो जीवन, वो रातें जो हमने अपनी दादियों अपनी नानियों के पास बैठ के गुजारी हैं। एक राजा था एक रानी थी, फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, अब पता नहीं पड़ता था कि कब नींद आ जाती थी। आज डॉक्टर महोदय के पास जाके महंगी से महंगी एमजी लिखवा रहे हैं, लेकिन उन गोलियों को खाने के बावजूद भी डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। आप सोचिए क्या यही 21वीं सदी है जिसे जीने के लिए हम निकले थे? क्या वो सुख था, क्या वो जीवन था? आज बच्चों के पास उनकी दादी और नानियां नहीं है। एक जमाना था जब माँ बाप कहते थे या बच्चे कहते कि हम अपनी नानी के घर जा रहे हैं, वो सुनना तो ठीक लगता था, मगर आज कलेजा फट जाता है जब बच्चे ये कहते हैं कि हम अपनी दादी के घर जा रहे हैं। कलेजा फट जाता है ये सुनकर जब बच्चे ये कहते हैं कि हम अपनी दादी के घर जा रहे हैं। साहब इट्स वेरी स्ट्रेंज, मुझे ऐसी प्रगति नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए थी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूले से गिरना वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीपल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। क्या जीवन था, छोटी छोटी बच्चियां उनके पास अपनी गुड़िया और अपना गुड्डा हुआ करता था, और उस गुड्डी गुड़िया के श्रृंगार में वो अपने जीवन को कब बिताकर बड़ी हो जाके श्रृंगार करके किसी और के घर चली जाती थी, ये उन्हें पता ही नहीं पड़ा।
इतना सुंदर जीवन आगे बढ़ चला गया। बच्चे अपने जीवन को जी रहे थे, पड़ोस के घर में सो गए तो चिंता नहीं थी। आज अगर बच्ची एक सेकंड आंखों से ओझल हो जाए तो आदमी हिल जाता है, कलेजा हिल जाता है, बच्चा कहां गया। घर के घर में बच्चे सुरक्षित हैं। कड़वी सच्चाई है साहब, लेकिन तुम्हारी और हमारी 21वीं सदी कुछ ऐसी ही आई है, कुछ ऐसी ही आई है। कभी रेत के ऊंटे चीलों पे जाना जाना, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था, न रिश्तों का बंधन, न दुनिया का गम था, न रिश्तों का बंधन। बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। जब किसी पड़ोस में मकान बनता तो वो रेत आती, और आप बिलीव करेंगे वो चीज मैं रोज देखता हूं। जब ये बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जो रेत पड़ी हुई है तो जो मजदूर है उनके छोटे छोटे बच्चे उसमें पैर डाल के, हाथ डाल के वो जो घरौंदे बना रहे हैं, वो सालों पहले की कहानी सामने दिखाई देती है। और हकीकत में लगता है कि जीवन कभी बदलता नहीं है, हमने बदल लिया, हमने कुछ गड़बड़ कर ली। वो मासूमियत चली गई चेहरों से, वो सच्चाई चली गई। तुम्हारे पास आज लाखों रुपए के सोफे तो हैं साहब, पर उस पर बैठने वाले लोग नहीं हैं। तुम्हारे पास बड़े ड्राइंग रूम तो हैं, पर उसमें चहकने वाले बच्चे नहीं हैं। तुमसे ज्यादा अच्छी तो व्यवस्थाएं वो थी, चारपाई एक थी पर बैठने वाले अनेक थे। एक सांझा चूल्हा जलता था और उसमें पूरा मोहल्ला खाकर अपने जीवन को जी लेता था। जीवन तो वही था, लेकिन क्या करें, हाय ये 21वीं सदी। लेकिन याद तो आता है ना, तो ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे को लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश